प्यारे बच्चों, महर्षि दयानंद सरस्वती शिक्षा संस्थान परसपुर द्वारा संचालित महर्षि क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो क्लास थर्ड के बच्चों के लिए है। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसी में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट ओनली वंस। ये जो डिजिट हमको मिला है इसका यूज करके, इसका प्रयोग करके, यूज करने का मतलब क्या हुआ, इसका प्रयोग करके ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स क्या होती है, बड़ी संख्या। ये डिजिट को हम यूज करके बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, डिजिट 2, 7, 4, 8। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, जैसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर को बनाते थे कि पहले बड़ी वाली संख्या लिखते थे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे हम ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे पहले इसमें देखिए सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन है। तो 8 इज ग्रेटेस्ट नंबर, तो हम क्या लिखेंगे, 8। फिर 7, फिर क्या लिखेंगे, 4 एंड 2। इसी तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। इसको हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, पुनः ये रिवीजन हो रहा है। आइए इसे देखेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर 9 इज ग्रेटेस्ट नंबर, फिर 7, फिर 3 एंड 2। ये तो ग्रेटेस्ट नंबर बन गए इसके। इसी में क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, राइट द, जहां ग्रेटेस्ट है वहां पे क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट ओनली वंस। का मतलब क्या होता है, एक ही बार बनाना, ना कि रिपीट करना है, एक बार में। तो अब इसी डिजिट को हम स्मॉलेस्ट में बना देंगे। यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट बनाए थे और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे जब ग्रेटेस्ट बनाए थे तो बड़ी से बड़ी संख्या पहले लिए थे, अब हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो उसमें छोटी से छोटी संख्या पहले लेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है 1, 8, 1, 8, 0, 7। इसे हमें स्मॉलेस्ट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये एग्जांपल है। तो स्मॉलेस्ट में आप क्या करते हैं, पहले 0 लिख देते हैं। अच्छा ये बताइए, हमको 500 लिखना है, तो 500 हम इस तरीके से लिखेंगे कि 2 0 आगे लगा के 5 लिख देंगे, तो इसका मतलब 5 हो जाएगा। तो आप जो गलती करते हो उसको यहाँ पे सुधारेंगे हम लोग। तो पहले हम 0 ना लिखते हुए स्मॉलेस्ट नंबर, मेरा 1 इज स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उसके बाद में हम 0 को लिखेंगे। जितने 0 होंगे पहले उसको हम लिख देंगे, तब डिजिट जो भी होगा उसे हम लिखेंगे। अब 1 लिख दिया, 0, अब 0 के बाद क्या लिखेंगे, 7 एंड 8। ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वरना क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे है, उसे आप सॉल्व कर लेंगे तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके बाद पढ़ेंगे। थैंक यू।